हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हमशीज वर्ल्ड सर्दियों में सुबह सुबह आपको कुछ ऐसा खाने को मिल जाए जिससे सारे दिन आपका शरीर गर्म रहे तो चलिए वही बना लेते हैं आज हम बनाएंगे गार्लिक से एक ऐसी चीज जिससे कि जो आपका शरीर सारे दिन गर्म रहेगा सुबह सुबह आप बच्चों को जो है ये दे सकते हो और बहुत टेस्टी लगता है बिलीव मी बच्चे मांग मांग के खाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे थोड़े से ऑयल के अंदर मैंने गार्लिक बहुत सारी ली है 25 से 30 क्लोस लिए हैं गार्लिक के और इसको इस तरीके से सुनहरा कलर आने तक जो है रोस्ट कर लिया इसके बाद पानी डालेंगे और इसको ढक के दो मिनट के लिए पकाएंगे तो दो मिनट के बाद ये देखिए मैं ढक्कन खोलूँगी और गैस को बंद कर दूँगी और इसके बाद ये देखिए गार्लिक हमारी जो है इस तरीके से मैश कर लेंगे ये सॉफ़्ट हो जाती है दो मिनट में ही तो मैंने हल्का सा पानी डाला था छींटा डाला था पानी का उससे ये सॉफ़्ट हो जाती है ये देखिए इस तरीके से मैश कर लेंगे अब इसको और ये जो है ना रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है मेरे बच्चों को तो स्पेशली बहुत पसंद है और स्कूल जाने से पहले सुबह सुबह वो ये ज़रूर खाते हैं आप भी सोच रहे होंगे गार्लिक से ऐसा क्या बनाने वाली है जो सुबह सुबह बच्चे मांग मांग के खाएंगे अभी रुकिए आपको पता चलेगा बहुत ही स्वाद रेसिपी बनती है तो ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से जो है लहसुन को आ, मैश कर लिया है इसके बाद मैं डाल रही हूँ एक पूरी टिकिया बटर की तो इसके अंदर मैंने सौ ग्राम के करीब बटर डाला है इसको ढक देंगे क्योंकि ये गर्म है तो अभी ये अपने आप से पिघल जाएगा इसके बाद मैंने दो ब्रेड के स्लाइसेस ली हैं साइड में तवा चढ़ा दिया है उस पर इसको ड्राई ही सेकना है हमें ब्रेड को क्रंची करना है मतलब और ये देखिए ये जो बटर है ये पिघल गया है थोड़ा बहुत नहीं पिघला है तो इसको मैं हाथ से ही इस तरीके से फोक की सहायता से मैश कर लूँगी तो हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हो आज हम गार्लिक बटर बना रहे हैं इसमें मैं चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ अब जैसे मैं बनाती हूँ ना वैसे मैं आपको बता रही हूँ और बहुत पसंद आता है बिलीव में बच्चों को इसमें मैंने औरगेनो भी डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है और इसके साथ साथ थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ डाला है और अभी सुबह का टाइम है तो सुबह के टाइम में इसी तरीके से हल्की सी जो है लाइट कलर वाली चाय होती है ना दूध वाली चाय होती है ना ज़्यादा दूध कम पानी कम पत्ती ऐसी वाली अदरक वाली चाय बनाती हूँ बच्चों के लिए और बिल्कुल जब कड़ाके की सर्दी होती है ना जो अभी चल रही है दिसंबर की जनवरी की सर्दी इसमें और साथ में गार्लिक टोस्ट देती हूँ तो ये जो है ना बच्चे गर्मा गर्म खाते हैं और गर्मा गर्म ऐसा लगता है ना जैसे पूरे अंदर तक बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गए हैं अब सर्दी खांसी नहीं होगी जुकाम नहीं होगा ठंड भी नहीं लगेगी तो ये हमारा गार्लिक बटर तैयार है मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था और जब तक हमारी जो ब्रेड है वो भी टोस्ट हो गई है अच्छे से क्रंची कर लेना है हमें तवे पे उल्ट पुलट के सेकिएगा तो वो अच्छे से क्रंची हो जाएगा तब तक आपकी चाय भी बन जाएगी ये देखिए टोस्ट क्रंची हो गया है आपके पास टोस्टर हो तो उसके अंदर भी आप टोस्ट कर सकते हो तो ये देखिए मैं सुबह सुबह में झंझट नहीं करती हूँ पड़ा तो है मेरे पास टोस्टर पर मैं सुबह सुबह तवे पर ही सेक लेती हूँ और उसके बाद ये बटर लगा देती हूँ ये देखिए अब ये आप चाय के साथ बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं बच्चों को तो स्पेशली जरूर दीजिए और वैसे मैं तो उसके बाद सौंफ खिला देती हूँ क्योंकि गार्लिक खा के आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हो तो आई होप फ्रेंड्स आपको रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टेस्टी रेसिपी में तब तक के लिए बाय और फ्रेंड्स ये कुछ दूसरे वीडियोज हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं थैंक यू